हेडलाइंस के प्रायोजक है अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। दरभंगा कमिश्नर मयंक बरबड़े द्वारा आयुक्त कार्यालय दरभंगा के सभागार में रोड परमिट के लिए वाहन मालिकों को द्वारा दिए गए आवेदन पर आरटीए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अंतर्गत सुनवाई की गई, जिसमें कई रोड के लिए परमिट जारी करना एवं दिए गए आवेदन के विरुद्ध आपत्ति पर सुनवाई करना था। आपत्ति के कारणों में एक मिनट के अंतराल पर दूसरे बस मालिक द्वारा परमिट मांगना एवं गलत रूट दर्शाना, एक ही रूट में दो बस के समय का टकराव आदि शामिल था। नियमतः दो बसों के खुलने में कम से कम दो मिनट का अंतराल होना चाहिए, इस बात की सूचना परमंडलीय अध्यक्ष दी गई। दरभंगा परमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय के सभागार में दरभंगा परमंडल के तीनों जिलों के आपूर्ति विभाग द्वारा चलाई जा रही खाद्यान्न आपूर्ति योजना एवं सहकारिता विभाग के माध्यम से की जा रही धान अधिप्राप्ति की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में दरभंगा के आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि PHH के अंतर्गत 3 रुपये प्रति किलो और 3 रुपये चावल एवं 2 रुपये प्रति किलोग्राम से गेहूँ दिया जा रहा है। इस तरह 5 व्यक्ति 5 यूनिट को 25 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। दरभंगा के उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिला अधिकारी तनेश सुल्तानिया द्वारा सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ 1 जनवरी के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए बैठक बुलाई गई थी। बैठक की तिथि 1 जनवरी 2021 के आधार पर तय की गई है, जिसमें सभी के निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। इस बात को लेकर के सभी अधिकारी बैठक में मौजूद थे। प्रभारी जिलाधिकारी ने बैठक में बताया कि 1 जनवरी 2021 के आधार पर निर्वाचन सूची का प्रारूप प्रकाशन 16 दिसंबर 2020 को किया गया। 11 जनवरी 2021 का दावा आपत्ति प्राप्त की जाएगी एवं 15 फरवरी 2021 को निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसे लेकर के सभी को अपने BLO से संपर्क करने के लिए कहा। दरभंगा लूटकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने CCTV के माध्यम से शिनाख्त किया था। उसी CCTV के माध्यम से दरभंगा के साथ लाइनर गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से लाइनर भूषण सहनी ने इस लूटकांड के मुख्य आरोपी हाजीपुर निवासी मनीष सहनी का नाम लिया था। मनीष सहनी मुजफ्फरपुर कोर्ट में अपने आप को एक पुराने मामले में सरेंडर कर दिया। इस शातिर को दबोचने में पुलिस विगत 4 दिनों से लगी थी। अंत में दरभंगा पुलिस ने हाजीपुर जेल से उसे रिमांड पर लेने का फैसला किया। दरभंगा SSP ने पूरी जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, उम्मीद है सोना बरामद हो जाएगा। आज इस केस का एक मुख्य अभियुक्त मनीष सहनी ने हाजीपुर कोर्ट में सरेंडर किया है, वहाँ के एक स्थानीय केस में सरेंडर किया है। अब इनको हम रिमांड पर लेने जा रहे हैं, पूछताछ के लिए दरभंगा यहाँ लाया जाएगा रिमांड पर, और उसके बाद इसमें केस में आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। इसने कभी तो पूछताछ नहीं हो पाई है, वो रिमांड पे यहाँ आएंगे तभी उनसे पूछताछ हो पाएगी। उनका रोल क्या था इसमें? यहाँ पे जो 7 अभियुक्त हम लोगों ने जेल भेजे हैं इस केस में, उसमें से एक मुख्य अभियुक्त यहाँ के थे भूषण सहनी, जो के रिश्तेदार हैं। 4 तारीख को भूषण सहनी के पास में ही ये लोग आए थे, वहाँ से 6 से 8 लोग बताया जा रहा है। तो उसमें इन लोगों ने यहाँ 4 तारीख को इस प्लानिंग को अंतिम रूप दिया था। इस बात को भूषण सहनी ने बहुत विस्तार से बताया है, अन्य अभियुक्तों ने भी स्वीकार किया है, और इसके अलावा दूसरे भी साक्ष्य मिले हैं, जिससे बात स्पष्ट होती है कि मनीष सहनी यहाँ पर 4 तारीख को भी आया था और 8 को और 9 को भी यहाँ मौजूद था। दरभंगा के चर्चित लूटकांड का मुख्य आरोपी को दरभंगा पुलिस ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में ही सरेंडर के बाद पूछताछ की तो उसने अपनी संलिप्तता जाहिर की। उसे यह भी बताया कि किस तरह से वह 2 बाइक पर सवार था और कौन कौन से बाइक पर कौन कौन अपराधी थे, उसे सभी का नाम लिया। इसके साथ ही दरभंगा के मुख्य लाइनर भूषण सहनी के बुलावे पर वो दरभंगा आया था, इस बात को भी उसने स्वीकारा। वहीं बहुत से ऐसे अपराधों को उसने स्वीकार नहीं किया, जो स्वीकार किया उसका दरभंगा पुलिस ने वीडियो वायरल किया है। सुधांशु, भुट्टा
और हम गए थे, रोहित गया था, अमन गया था, पांच आदमी गया था। एगो अपाची था, एगो एफ जेड था। अपाची पर था उषा, आ हमरा पर था एफ जेड पर था अमन था, भुट्टा था, आ हम थे। अपाची पर रोहित सुधान थे। वहाँ गए तो वहाँ गला के बाद पहले गिर चुके पिए, उसके बाद चल गए खाना खाने शादी में। शादी में से खाना खा के तो भूषण बोला कि भैया ये वो यहाँ कान बिकने वाला बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, तो उसको बतियाने लगा। उतने पर हम पप्पा आवाज़ मारने लगे तो अपना चले गए घर। कांड के बारे में क्या बोला, कौन कांड? सोना कांड के बारे में। कुरान खानी, कुल शरीफ और चादरपोशी के साथ दरभंगा के प्रसिद्ध दरगाह हजरत मौलाना सैयद फिदा मोहम्मद अब्दुल करीम अल मरूफ हुजूर मौलाना समरकंदिया रहमतुल्ला अलैह का चार रोजा उरूस पाक का आगाज हुआ। पीरे तरीकत रहबरे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शमसुल्ला जहां मिसबाही बाबू हुजूर और उनके साहबजादे सैयद नूरुल अमीन साहब के हाथों चादर पोशी की रस्म अदा की गई। उरूस पाक 17 दिसंबर से होकर 20 दिसंबर को खत्म होगा। मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी विभागों में नामांकन कराने को लेकर छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यह भीड़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उमड़ी थी जो शिक्षा विभाग में थी। इस बारे में वेरिफिकेशन कर रहे कर्मी का कहना था कि ऐसे छात्र छात्राएं जिनका मार्कशीट कंप्यूटराइज है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं और उस पर वेरिफिकेशन का मोहर लगाकर उसे नामांकन के लिए विभागों में भेज रहे हैं ताकि उनका नामांकन हो सके। दरभंगा में कोरोना की वजह से ओलंपियाड में चयनित वे सभी 28 छात्र छात्राओं के बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा पुरस्कार राशि और सम्मान पत्र दिया गया जिसमें 12,000, 8,000, 5,000 की राशि थी। छात्र छात्राओं का चयन पहले ही हो चुका था लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से रोक दिया गया था। आज दरभंगा समाहरणालय में छात्र छात्राओं के बीच पुरस्कार का वितरण कर उनके मनोबल को बढ़ाया गया। इस के लिए इस जिला में जिला स्तरीय ओलंपियाड और क्विज प्रतियोगिता का था। इस प्रतियोगिता में हम छात्र चयनित हुए थे, उसी छात्रों का पुरस्कार वितरण हुआ है। पुरस्कार वितरण में कुछ विलम्ब हो गया था, उसमें निर्वाचन और कोविड आ गया था जिसके कारण विलम्ब हो गया। आज उसी पुरस्कार वितरण को हम लोग किए हैं। इसमें इस जिला के कुछ 28 छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किया गया है जिसको एक सर्टिफिकेट दिया गया है, एक मेडल दिया गया है और कुछ प्रोत्साहन राशि प्रथम को 12,000 है, किसी को द्वितीय को 10,000 है और तृतीय को 8,000 है। दरभंगा के श्रम विभाग कार्यालय में आज ऑनलाइन नियोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कई छात्र छात्राओं ने विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया। इस संबंध में अधिकारी ने बताया कि जिसमें गुजरात की और हिमाचल की कंपनियां हैं। 22 तारीख तक आवेदन को देखने के बाद 22 से 27 तारीख के बीच में उन लोगों को उनके योग्यता और पद के अनुसार नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। पंजीकरण के दौरान प्राप्त आंकड़ों का 10 तारीख से लेकर 27 तारीख तक इसका शोधन किया जाएगा। उसमें जो कैंडिडेट पाए जाएंगे उसको एक टेलीफोनिक इंटरव्यू या ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा और उसमें जो अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी होंगे उनका 29 और 30 तारीख को फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। और इसमें कुल मिला कि 14 कंपनियाँ हैं जो वर्तमान में हमारे पास जिन्होंने अपना रिक्तियों का ब्यौरा यहाँ पर डाला है। इसमें गुजरात की कंपनियां 12 है, एक हिमाचल प्रदेश की है और एक कर्नाटक की है। ये 14 कंपनियों में मुख्य रूप से कंप्यूटर ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, मेंटेनेंस स्टाफ इन सब पदों के लिए रिक्तियां हैं। अन्य जो योग्यता को धारण करते हैं जो भी अभ्यर्थी उनके योग्यता के अनुसार ही हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये जॉब मिल सके। रेलवे प्रशासन ने आगामी कुहासे के मौसम को ध्यान में रखते हुए 16 दिसंबर से 31 जनवरी तक समस्तीपुर मंडल से चलने अथवा गुजरने वाली निम्न गाड़ियों को रद्द फेरों में कमी करने का निर्णय लिया है।
वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि अगर आप ट्रेन से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा से पूर्व कौन सी ट्रेन रद्द की गई है और कौन सी ट्रेन का परिचालन हो रहा है पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही सफर करें, क्योंकि ठंड के इस मौसम में कहीं आपको किसी तरह की कोई परेशानी न उठानी पड़ जाए। दरभंगा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षा निदेशालय की मान्यता समाप्त होने को लेकर लोजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गगन कुमार झा के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें 11 सूत्री मांग थे। मुख्य मांग में उन्होंने कहा कि विश्व शिक्षा निदेशालय की जो मान्यता समाप्त हुई है उसमें जो पदाधिकारी दोषी हैं उस पर विश्वविद्यालय कार्रवाई करे, क्योंकि शिक्षा निदेशालय के एक सत्र से विश्वविद्यालय को 2 करोड़ की कमाई होती है, जिसका नुकसान अभी विश्वविद्यालय को उठाना पड़ रहा है। दो दिवसीय मैथिली अधिकार दिवस के रूप में 18वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन 22 एवं 23 दिसंबर को वृंदावन में होगा। विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सम्मेलन के लिए गठित स्वागत समिति का मुख्य संरक्षक उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड आगरा के मुख्य अभियंता इंजीनियर अजय कुमार चौधरी को बनाया गया है। डीडीसी तनय सुल्तानिया ने स्थानीय प्रखंड की 4 पंचायतों में जल नल योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जांच की। कुर्थु पूर्वी पंचायत की वार्ड संख्या 7 में जल नल योजना से वे संतुष्ट दिखे। कोहद्दी बेला पंचायत के वार्ड संख्या 2, 3, 6, 8 तथा बूढ़े इनायतपुर पंचायत की जल नल योजना को देखकर डीडीसी विफल उठे। उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर योजना को पूर्ण करवाने का बीडीओ को आदेश दिया। जिला के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को नवंबर और दिसंबर माह में कम अनाज वितरण दिया गया, इसके कारण विक्रेताओं को काफी परेशानी हो रही है। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विनोद झा ने जिले के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की परेशानी को लेकर एक आवेदन सौंपा है। आवेदन में कहा गया है कि नवंबर माह में विक्रेताओं को कम आवंटन दिया गया। इमो द्वारा कहा गया कि राशि विक्रेता जमा करे, अवशेष का चालान निर्गत करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। पुनः दिसंबर 2020 में भी यही स्थिति है और एमओ का कहना है कि आप लोग राशि जमा करें, जिसके आलोक में विक्रेता राशि जमा कर रहे हैं। अब जनवरी 2021 के लिए भी इसी तरह का चालान निर्गत हुआ है। इतने कम आवंटन में अनाज का वितरण करना मुश्किल है। नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 12 में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम में निजी विद्यालय के छात्रों ने भी भाग लिया। वहीं हराई तालाब के समीप के लोगों से पोखर में गंदगी नहीं फेंकने व तालाब की साफ सफाई में सहयोग देने की भी अपील की गई। वहीं नगर आयुक्त ने स्थानीय लोगों से गीला कचरा व सूखा कचरा अलग अलग संग्रहित करने का भी अनुरोध किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभी विभाग माह जनवरी फरवरी 2021 में एक राष्ट्रीय एवं एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करेगा। विद्वत परिषद की बैठक में इस आशय का निर्णय लिए जाने के बाद कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा पर विश्वविद्यालय के नैक एवं शैक्षिक उन्नयन की जिम्मेवारी सौंपी है। प्रति कुलपति ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संकायवार संकाय अध्यक्षों की उपस्थिति में विभाग अध्यक्षों की बैठक की। दरभंगा एनसीसी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों के बीच अच्छी उदाहरण पेश करने के लिए कपूरी चौक पर कपूर ठाकुर की मूर्ति का साफ सफाई किया गया। इस साफ सफाई के जरिए लोगों तक यह संदेश पहुंचाना था कि लोगों को भी अपने आसपास की चीजों को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव बुधवार को बड़ा बाजार स्थित कुछ दिनों पूर्व हुई लूटकांड में सोना चांदी के व्यापारी के आवास उनसे मिलने पहुंचे। वहीं मीडिया से रूबरू हुए और पप्पू यादव ने बताया कि इस मामले को लेकर अपराधियों की गिरफ्तारी तो हो रही है, लेकिन अब तक लूटे गए सामानों की रिकवरी क्यों नहीं हुई। अगर अपराधी वैशाली का है तो बिना लोकल अपराधी के सहयोग के बिना इस तरह की घटना घटी तो कैसे घटी।
इस घटना को अंजाम देने में दरभंगा के लोकल अपराधियों का हाथ है और अब तक सामानों की रिकवरी नहीं हुई तो उद्भेदन भी कैसे हुआ। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव ने यह भी कहा कि इस तरह की घटना में जनता भी दोषी है क्योंकि पार्टी अपराधियों और माफियों को टिकट देकर चुनाव लड़ाती है और जनता वैसे लोगों को वोट देकर जिताती है जिनके जीतने के बाद उन्हीं जनता को परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इन्हीं कारणों की वजह से उनके क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ जाती है।